देखो ओडिया ग्रामर रो प्रथम अध्याय वाक्य विचार। एही अध्याय रे आमे पढ़िबा वाक्य कहा को कहा जाए एवं गोटे सार्थक वाक्य रो कौन कौन सब लक्षण थाए आमे जानी कही जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर बुझेला। तो प्रथमे देखिबा जे वाक्य कौन व्हाट इज ए सेंटेंस। देखो एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए। एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए। खाली पद गुड़ा मिसीगले हबनी मनर भाव को भी संपूर्ण रूपे प्रकाश करूथबा दरकार। गोटे पद रे भी वाक्य हो जीवो जेमती कि धरा जाऊ मु कहिबी जाओ गोटे पद आउ एटा गोटे वाक्य भी कहीं ना मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश हो जाऊ। गोटे पद रे भी वाक्य हो जीवो आउ एकाधिक पद मिसिकी भी वाक्य हो पारिबो बुझेला। किंतु शर्त हेउची जे मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करूथबा दरकार बुझेला। तो देखो गोटे शुद्ध वाक्य रे बा गोटे सार्थक वाक्य रे किछि लक्षण थाए आमे से लक्षण गुड़ी को आलोचना करिबा। प्रथम लक्षण एठारे हेउची योग्यता। प्रथम लक्षण कौन योग्यता। तो योग्यता कहा को कहा जाए देखो एठारे किछि उदाहरण दिया जाइछि। बालकटी उड़ुअछि छेली गीत गाउछि गछटी पानी रे जळी गला। तो एसबू शुद्ध वाक्य नुहंती। एसबू शुद्ध वाक्य काहेकि नुहंती ना एही वाक्य गुड़ी करे योग्यतार अभाव अछि। बालकटी उड़ीबार तार योग्यता नहीं गोटे बालक केबे उड़ी पारिबो कि तो बालकटी उड़ी पारे ना। छेली गीत गाउछि तो छेली रो गीत गाइबार योग्यता नहीं। गछटी पानी रे जळी गला पानी गछ को जाळी पारिबो नहीं बुझीगला ना। तो यही सब वाक्य रे योग्यतार अभाव अछि से एगुड़ी को शुद्ध वाक्य नुहंती बुझीगला। किंतु जदि कहा जीवो जे बालकटी गुड़ी उड़ौछि तो यह एक वाक्य हो पारिबो। ए वाक्य रे योग्यता अछि बालकटी रो गुड़ी उड़ेबार योग्यता अछि। छेली गीत गाउछि तो एठी कोन योग्यतार अभाव अछि ना। तो जदि आमे कहिबा झियोटी गीत गाउछि बा पिलाटी गीत गाउछि तो यह एक वाक्य हो पारिबो। किंतु छेली गीत गाउछि यह एक वाक्य एथिपई नुहे कहीं ना छेली रो गीत गाइबा को योग्यता नाही बुझीला। गछटी पानी रे जळी गला देखो पानी तो गछ को जाळी पारिबोनी। किंतु जदि आमे कहिबा गछटी निया रे जळी गला यह एक सार्थक वाक्य हो पारिबो बा गोटे शुद्ध वाक्य हो पारिबो बुझीला। योग्यता बुझीला। तो बर्तमान आमे योग्यतार डेफिनेशन जानिबा। देखो वाक्य रे व्यवहार करा जाउतबा पद गुडीकर पारस्परिक संबंध को कहा जाए योग्यता। योग्यता कहा को कहा जाए वाक्य रे व्यवहार करा जाउतबा पद गुडीक पारस्परिक संबंध को कहा जाए योग्यता। हला एटा होची की वर्ड पद गुडीक मध्यरे तिबा पारस्परिक संबंध को कोन कहा जाए योग्यता कहा जाए। देखो एठारे कहा जाए जे बालकटी दौड़ू अछि यह एक वाक्य शुद्ध वाक्य कोन पई ना बालकटर दौड़ीबार योग्यता अछि। सबिता गीत गाउछि तो सबितार गीत गाइबार योग्यता अछि तो ये गोटे सार्थक वाक्य बा शुद्ध वाक्य। गछटी नियारे पड़गला तो ये भी गोटे शुद्ध वाक्य हो जीवो नियार योग्यता अच्छी गछ को जाड़ापी कि पानी रो नहीं बुझीगला ना। तो देखो यही सब वाक्य गुड़िक शुद्ध वाक्य एमंर योग्यता अच्छी। एवं देखा आकांक्षा। नेक्स्ट लक्षण हूँ आमर आकांक्षा। तो आकांक्षा क्या कहा जाए उदाहरण मध्यम प्रथम बुझा मदन सहित खाली एति कहीकि रही मदन सहित आउ कि कहबिन रविवार दिन चपला एति कहीकि रही। तो एगुड़िक तो पूर्ण वाक्य नुहंती मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करूना। तो यही सब वाक्य आकांक्षार अभाव अच्छी बुझीगला ना। एसबू वाक्य पूर्ण नुहंती आउ किसी कथा बाकी रही जाऊला। यही वाक्यटी पूर्ण हाबाई अन्य किसी पद को अपेक्षा करुँचंती तेणु एगुड़िक पूर्ण नुहंती बुझीगला। कितु जदि आम कह मदन सहित बापा आसबे किंबा रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव एगुड़िक वाक्य हो जाए बुझीला ना। एगुड़िक मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश करुँचंती बुझीला। तो देखो प्रथम आम जो दुईटी एग्जाम्पल नेलु ना एथिरे आकांक्षार अभाव अच्छी। तो आकांक्षा क्या कहा जाए ना वाक्य गोटे पद अन्य पद गुड़िकर अर्थबोधकता अपेक्षा कले आकांक्षा कहा जाए। तो यही अपेक्षा करार नाम हो आकांक्षा बुझीला। अर्थबोध करवाई किसी पद बा गोटे पद जदि अन्य पद गुड़िकर अपेक्षा करती ताहले आमे ताहाकु आकांक्षा बोली कहिबा बुझीला ना। एबे देखिबा आसक्ति विषय रे गोटे सार्थक वाक्यर परवर्ती लक्षण हेउची आसक्ति।
आसक्ति कौन ना प्रथमे किसी एग्जाम्पल देखने देख होई हेले प्राप्त बुद्धत्व गौतम तपसिद्ध देख एठार पद गुड़िक असजड़ा होकर अच्छा माने मनर भाव को संपूर्ण रूपे माने प्रकाश करूना उभय ए मिसी छबि ओ वंदना आंकी चंदना एठारे मध्य आमर मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश होना कहीं शब्द गुड़िक एठारे असजड़ा होकर अच्छा बुझेगा प्रदत्त वाक्य दुईटी कर्ता क्रिया थिले प्रकृत अर्थ बुझा पड़ूना एठारे कर्ता भी अच्छी क्रिया भी अच्छी किंतु एठारे प्रकृत अर्थ कौन बुझा पड़ूना उभय वाक्य पदगुड़िक जहाँपर जी रहा आवश्यक सेपरी होना पदगुड़िक सजाई लिखिले वाक्य दुईटा एमती हम आम प्रथम वाक्य हो गौतम तपसिद्ध हो बुद्धत्व प्राप्त हेले गौतम तपसिद्ध हो बुद्धत्व प्राप्त हेले बुझेगा से भाई आम द्वितीय वाक्यटी चंदना और वंदना उभय मिसी ए छवि आंकी बुझेगा तो यही सब वाक्य आसक्तिर अभाव अच्छी प्रथम आ द्वितीय वाक्य आसक्तिर अभाव अच्छी तो आसक्ति क्या कहुए ना वाक्य पद योजना व सौंदर्य होसक्ति द्वारा कापर के पद रखिले वाक्यर भाव को स्पष्ट भाव प्रकाश कर बुझा जाए आसक्ति को पद विन्यास क्या क्या कहुए पद विन्यास आसक्ति को बुझेगा आसक्ति कौन ना पद योजना व पद सौंदर्य एवं देखा परवर्ती लक्षण कौन गोटे सार्थक वाक्यर नेक्स्ट लक्षण होमर वाक्यांश देख जमती आम आकांक्षार पढ़ी आसलू जे कि कथा पर हरिहर कथा शुणी माँ एति कहीकि रही एसबू होक्यांश वाक्यर अंश को कहुच्छे वाक्यांश बुझेगा घंटा बाजिला अथच पाने कहीकि रही है तो देख एसबू वाक्य पूर्ण नुहति तो एति जो वाक्य अच्छी ना एति वाक्य को आम वाक्यर अंश बोली कहवा है किंतु जो सब पदर अपेक्षा करूँ पूर्ण हाँपाई से अपेक्षा करार नाम हो आकांक्षा बुझेगा किंतु यही सब जो अंश अच्छी वाक्यर एम को कहुच्छे वाक्यांश उदादृत वाक्य द्वय संपूर्ण नुहति एगुड़िक संपूर्ण होगापाई अन्य किसी पदर आवश्यकता अच्छी जमती कि देख प्रथमटा को आम एमती लिखिपर हरिहर कथा शुणी माँ आश्चर्य हेले बुझेगा से भाई घंटा बाजिला अथच पाने श्रेणी को आसिले ना बुझेगा मूल वाक्य दुईटी सहित मोटा अक्षर लिखित पदगुड़िक जोड़बार वाक्यद्वय संपूर्ण है प्रथम दि जाइए अंश पूर्ण वाक्यर एक अंश तेणु एगुड़िक वाक्यांश तो ये दुटा होमर वाक्यांश वाक्यर बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश बोली कहुए तो वाक्यांश क्या कहुए ना वाक्य बुझा पड़ुवा निर्दिष्ट अंश को निर्दिष्ट केतोटी पद संहति को वाक्यांश बोली कहुए बुझेगा चलो वर्तमान परवर्ती लक्षण होमर खंडवाक्य खंडवाक्य क्या कहुए ना समस्त वाक्यर समापिका क्रियाजुक्त अंश को कहुए खंडवाक्य समापिका क्रिया मान फाइनाइट भार्ब मान जो क्रिया संपूर्ण हो जाइए समापिका क्रिया समापन करुवा क्रिया को कहुए समापिका क्रिया जमीक ये देख काटती हेब बुझेगा युव हो समापिका क्रिया जो मैंने वृथार समय काटती बुझेगा किए हेब प्रथम तो यह सब होमर खंडवाक्य कहीं ये समापिका क्रिया अच्छी बुझेगा तो प्रत्येक वाक्यर समापिका क्रियाजुक्त अंशटी को आम खंडवाक्य कहवा दुईट वाक्य कर्ता आ क्रिया थी यह मनोभाव संपूर्ण रूपे प्रकाश करूना ये देख क आउ खरे तुम देखिपार मनोभाव आम संपूर्ण रूपे प्रकाश होना तेणु उदादृत वाक्य खंड को खंडवाक्य कहुए समस्त वाक्यर समापिका क्रियाजुक्त अंशटी को खंडवाक्य कहुए बुझीगला ना वाक्यांशे कि देख समापिका क्रिया ना समापिका क्रिया ना कि खंडवाक्य कौन ना समापिका क्रिया अच्छे तो वाक्यांश आ खंडवाक्य भितर फरक हूँ समापिका क्रियार खंडवाक्य समापिका क्रिया अच्छे कि वाक्यांश में समापिका क्रिया ना ये बुझीगल ना चलो ठीक अच्छे तो आम अध्यायटी कम्प्लीट हो गला यापर यार प्रश्नावली तुम निजे करपर तो आज क्लास को आम ये जगह समाप्त करदे धन्यवाद।